नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी। कोरोना संक्रमित मरीजों ने एक बार फिर से हैरानी बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में एक लोकसभा और 3 विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। इन उपचुनावों में भी कोरोना को खुलकर न्योता दिया गया था और लगातार रैली हुई और इसकी आशंका जताई जा रही है कि पिछले दिनों चुनावी रैलियों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर उल्लंघन किया है, लेकिन उस इलाके में कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ सकते हैं। नतीजा यह भी हो रहा है कि अब एक एक मरीज बढ़ने लगे हैं। वहीं त्योहारी सीजन के चलते प्रदेश के कई शहर हैं जिन पर कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। हालात बिगड़ते देख आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक बुलाई है। समीक्षा बैठक में उनके साथ मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। सीएम शिवराज ने इससे पहले संक्रमण की दूसरी लहर में हर रोज समीक्षा करते थे। सरकार के अनेक प्रयासों से कोरोना पर नियंत्रण किया जा सका था। न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि देश भर में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या में तेजी आ रही है। यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को बढ़ने से रोकने के लिए मौजूदा कोविड प्रतिबंधों को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने यह कदम कोविड के मामले जो है बुधवार के मुकाबले लगभग 20% की तेजी से दर्ज आने की बात उठाया है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 16,156 नए मामले दर्ज किए गए हैं। अब इस बीमारी के कुल मामलों की संख्या 3,42,31,909 हो गई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस एक कार्यक्रम में कहा है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य पर्यटन केंद्र बनने की क्षमता है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के चलते स्वास्थ्य को भारत में विकास से जोड़ा गया है और देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। वहीं भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने एशिया स्वास्थ्य 2021 सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन की थीम बेहतर कल के लिए स्वास्थ्य सेवा में बदलाव है। मांडविया ने कहा है कि इससे पहले स्वास्थ्य का मतलब केवल इलाज समझा जाता था, लेकिन अब स्वास्थ्य को विकास से जोड़ दिया गया है। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना मरीजों का डेली आंकड़ा दहाई के ऊपर दर्ज किया जा रहा है। बीते कुछ महीने में यह आंकड़ा एक अंक में प्राप्त हो रहा था, लेकिन 22 अक्टूबर के बाद से संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। जो मरीज बढ़ रहे हैं उनमें से इंदौर और भोपाल जिलों का योगदान सबसे ज्यादा है। पिछले एक सप्ताह में मध्य प्रदेश में कोरोना के 102 मरीज दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 70% मरीज सिर्फ इंदौर और भोपाल के मिले हैं। यदि दोनों शहरों के अलग अलग मरीजों की संख्या देखी जाए तो इंदौर में एक सप्ताह में 32 नए मरीज मिले हैं और भोपाल में नए मरीजों की संख्या 38 है। इस तरह प्रदेश के कुल 102 मरीजों में दोनों शहरों के मरीजों की संख्या 70 है। प्रदेश में जिस तरह से नए मरीज की संख्या बढ़ रही है, उसी तरह से एक्टिव केसों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। गुरुवार की स्थिति में प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 115 है, जो कि एक सप्ताह पहले यह संख्या महज 89 थी। अब देखना यह है कि नए मरीज बढ़ने के कारण प्रदेश के अन्य जिले संक्रमण की चपेट में आते हैं या नहीं। गुरुवार को 6 मरीजों में नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसमें से इंदौर, भोपाल, धार, जबलपुर, झाबुआ व उज्जैन के नाम शामिल हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी की जो शुरुआत हुई थी पिछले वर्ष दीपावली के बाद से हुई थी और त्यौहार के चलते लोग लापरवाही पूर्ण रवैया अपना लेते हैं। इसमें से ना मास्क का इस्तेमाल होता और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता और वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोग बेफिक्र हो गए हैं। इसकी वजह से कोरोना कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। तो ये थी अभी तक की जो अपडेट, और हम आगे और खबरों के साथ आपके बीच आते रहेंगे। आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।